Breaking news coming in right now. The Indian government's interlocutor, Dineshwar Sharma, for Kashmir has met the former Jammu and Kashmir chief minister and the opposition leader, Omar Abdullah. After meeting Dineshwar Sharma, Omar Abdullah tweeted, and here we quote, "Mr. Dineshwar Sharma and I met at my residence in Srinagar this morning. We discussed the prevailing situation in the state as also steps that can be taken to make his visit to the state more meaningful." Remember that Dineshwar Sharma is on a five-day visit to the state of Jammu and Kashmir in order to talk with various parties to resolve the Kashmir issue. Yes, Dineshwar Sharma. Dineshwar Sharma sahab milne aaye. उन्होंने मैसेज भेजा था कि वो मिलना चाहते हैं और वो आए. उन्होंने जो उनको काम सौंपा गया है उसके बारे में मुझे बताया और मुझसे मेरी राय मांगी कि किस तरह वो अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं, किस तरह अपने मिशन को वो और ज्यादा कामयाब बना सकते हैं. मैंने उनसे जो कहा वो हमारे दरमियान है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने बातचीत के दायरे को बढ़ाने के लिए जो मैंने उनके सामने कुछ तजवीज रखे वो दिनेश्वर शर्मा साहब उन पे अमल करेंगे, क्योंकि अगर इसी तरह गेस्ट हाउस में बैठ के आप इंतजार करते रहेंगे कि कौन कब आके मिलेगा तो ये सिलसिला चलेगा नहीं. मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब वो आएंगे तो और ज्यादा उनके कोशिशों में जो है एक उसमें और ज्यादा एक एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बातचीत के जरिए ये जो मसला है ये हल हो जाए और यहां लोग अमन और शांति के माहौल में अपनी जिंदगी जो है वो बसर करें. उमर साहब, फारूक साहब ने कहा था कुछ दिन पहले ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, उस इस विजिट से, दिनेश्वर वर्मा की विजिट से वैसे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई खास तवक्कात नहीं है. वो अपने अपने फारूक साहब ने गलत नहीं कहा. हमारे तवक्कात जो हैं उन पे तो मरकज ने खुद पानी डालने का काम किया, जबकि वजीर आजम साहब की तरफ से बयान आया कि अंदरूनी खुद मुख्तारी पे बात करना वो आजादी पे बात करने के बराबर है. तो हम जैसे लोग जो अंदरूनी खुद मुख्तारी का नक्शा पेश करते हैं, हमारे लिए तो जाहिर सी बात है हमारी उम्मीदों पे पानी जो है छिड़कने का काम हुआ. अब दिनेश्वर शर्मा साहब के एक्टिविटीज से पता लगेगा कि मरकज का कितना ताउन उनको हासिल है, वो कहां तक बात कर सकते हैं. फिलहाल तो मैं इतना ही कहूंगा कि फारूक साहब ने जो कहा गलत नहीं कहा. उसके बारे में कुछ बात हुई जो देखना. मैंने दिनेश्वर शर्मा साहब से अकेले बात की. मेरी पार्टी को फिलहाल दिनेश्वर शर्मा साहब के तरफ से कोई बातचीत का ये दावतनामा आया नहीं है. जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से अगर कोई डेलीगेशन अगली बार दिनेश्वर शर्मा साहब से मुलाकात करती है उस वक्त हम अंदरूनी खुद मुख्तारी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी जो हमारा एजेंडा है उस पर हम बात करेंगे. फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं. उमर साहब, नोटबंदी में एक साल पूरा हो गया है, वो छोड़ दीजिए ना. टेरर फंडिंग में काफी कमी हुई है. इससे पहले मनमोहन सिंह जी आए थे, राजनाथ सिंह जी आए थे, जो उस वक्त एक एक्सपेक्टेशन भले ही कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए लोग आए थे, ग्रुप्स आए थे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए थे, इस वक्त वो रेस्पॉन्स दिखता नहीं है. आपको मैं उम्मीद करता हूं कि मरकज की तरफ से जो दिनेश्वर शर्मा साहब के मिशन के बारे में गलतफहमियां पैदा की गई और जो कि उनके खुद के उनके स्टेटस को अंडरमाइन किया गया, खासकर प्राइम मिनिस्टर दफ्तर के हवाले से, होम मिनिस्ट्री के हवाले से, उसको दुरुस्त किया जाएगा. और